नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, घुटने के लिगामेंट्स की अगर बात करें तो उसके अंदर इंजरी हो जाना बहुत ज्यादा कॉमन होता है। घुटने के अंदर लिगामेंट्स होते हैं जो कि एक प्रोटीनेशियस या कोलेजिनस मटेरियल से बने हुए होते हैं और वो बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं और हमारे जोड़े की या घुटने के जोड़ की स्टेबिलिटी या स्थिरता के लिए यूज होते हैं। अगर घुटने की बात करें तो इसके अंदर 6 लिगामेंट होते हैं। अगर हम लैटरल स्टेबिलिटी की बात करें तो वो स्टेबलाइज्ड रहे उसके लिए कोलैटरल लिगामेंट्स होते हैं साइड में। एंटीरो पोस्टीरियर स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास क्रूशिएट लिगामेंट्स होते हैं जो कि ACL और PCL यानी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स बॉडी के अंदर होते हैं। और ऊपर नीचे की स्टेबिलिटी यानी जेड एक्सिस की स्टेबिलिटी या शॉक अब्सॉर्प्शन के लिए हमारे पास हाफ मून शेप्ड मेनिस्काई लिगामेंट होते हैं। दोस्तों, बहुत कॉमनली इन लिगामेंट्स के अंदर चोट लग जाने की वजह से या घिसावट या नॉर्मल डीजेनरेशन होने की वजह से इन लिगामेंट्स के अंदर इंजरी हो जाती है जो कि एक नॉर्मल स्प्रेन से लेके पार्शियल टियर या फुल थिकनेस टियर तक भी हो सकता है। अगर लिगामेंट की इंजरी हो जाती है तो उसकी वजह से घुटने के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। दर्द के साथ साथ सूजन, जकड़न, लालिमा, सीढ़ी चढ़ने उतरने में तकलीफ, चलने फिरने में दर्द होना, कूदने फादने में प्रॉब्लम होना, जो लोग स्पोर्ट्स या गेम्स के अंदर इंडल्ज होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाना, ये बहुत कॉमनली होता है। और लिगामेंट इंजरी होने की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का खतरा भी बढ़ जाता है। जो आर्थराइटिस या घिसावट आपके घुटने में 50-60 साल की उम्र में होती है, लिगामेंट इंजरी होने की वजह से 30-40 साल की उम्र में भी होने लग जाती है। अगर लिगामेंट्स की बात करें तो सबसे कॉमनली हमारी बॉडी में क्रूशिएट लिगामेंट्स या ACL PCL या मेनिस्काई लिगामेंट्स यानी मीडियल मेनिस्कस या लेटरल मेनिस्कस की इंजरी सबसे ज्यादा कॉमन होती है। जनरली इसको डायग्नोस करने के लिए लोग MRI करवाते हैं, पर आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने घुटने के सिम्टम्स के बेसिस के ऊपर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि यदि आपके घुटने के लिगामेंट्स में इंजरी हुई है तो वो क्रूशिएट लिगामेंट्स की इंजरी है या वो मेनिस्काई की इंजरी है। तो दोस्तों, पहली चीज आती है कि आपको जो दर्द हुआ है या जो लिगामेंट में प्रॉब्लम हुई है वो अगर एकदम से हुई है, एकदम से चोट लगी, आपके घुटने के अंदर इंजरी हुई है, उसके बाद सूजन, जकड़न, लालिमा आ गई है, तो वो चांस है कि क्रूशिएट लिगामेंट्स की इंजरी की वजह से हुई है। और अगर प्रॉब्लम ग्रेजुअली हुई है यानी आस्ते आस्ते बढ़ती हुई गई है तो वो मेनिस्काई की इंजरी की वजह से हुई। दोस्तों, दूसरे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर की अगर बात करें, यदि क्रूशिएट लिगामेंट या ACL के अंदर इंजरी होती है तो एक पॉपअप साउंड आती है, यानी आपके घुटने में एकदम से चोट लगी और आपके घुटने के अंदर एक क्रिच सी आवाज आई जो कि डिनोट कर रहा है कि कुछ ना कुछ टूटा है। मेनिस्काई के अंदर क्योंकि ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, धीरे धीरे जो हमारे हाफ मून शेप शॉक अब्सॉर्बिंग लिगामेंट है वो धीरे धीरे घिसते हुए जाते हैं, तो एक डेफिनेट पॉपअप साउंड या एक डेफिनेट इवेंट उसके अंदर नहीं होता है। ग्रेजुअली आपका दर्द बढ़ता रहता है, तकलीफ बढ़ती रहती है और आपको पता लगता है कि वो मेनिस्काई की इंजरी है, पर ACL में डेफिनेट इवेंट होता है। दोस्तों, तीसरे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर की अगर बात करें तो ACL लिगामेंट के साथ ऑब्वियसली पेन जरूर होगा, पर उसके साथ साथ स्वेलिंग होगी। वो स्वेलिंग तकरीबन 2-3 दिन तक तो बहुत ज्यादा रहती है, फिर इवेंचुअली बॉडी उसको नॉर्मलाइज करती है और वो हल्की होती जाती है। तो यदि आपके घुटने में चोट लगा है, उसकी वजह से आपको दर्द हो रही है और सूजन हुई है, तो चांसेस हैं कि ACL होएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर मेनिस्काई की बात करें तो उसके अंदर दर्द के साथ साथ लॉकिंग का एक बहुत बड़ा लक्षण होता है जो कि पेशेंट हमें आके रिपोर्ट करते हैं और बताते हैं। दोस्तों, मेनिस्काई में अगर इंजरी होती है तो मेनिस्काई के पार्ट अगर टूटता है तो वो घुटने को लॉक करता है, यानी घुटना आपका पूरी रेंज नहीं ले पाता, पूरा मुड़ नहीं पाता या मुड़े हुआ घुटना पूरा सीधा नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं पे लॉकिंग आती है, कहीं ना कहीं पे रुकावट आती है, वो स्मूथनेस ऑफ मूवमेंट चली जाती है। तो यदि लॉकिंग आ रही है, दर्द हो रहा है, तो वो मेनिस्काई की इंजरी की तरफ जा रहा है। अगली बात आती है डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो दोस्तों, जनरली डॉक्टर या कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट करता है तो एक एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट होता है और लैचमेंट टेस्ट होता है जो कि डिनोट करता है ACL की इंजरी को, और पोस्टीरियर ड्रॉ PCL की इंजरी को डिनोट करता है। और मेनिस्काई देखने के लिए एक मैकबरे टेस्ट होता है या एप्लीज ग्राइंडिंग टेस्ट होता है जिसके थ्रू हम मेनिस्काई की इंजरी को डायग्नोस करते हैं। हम लोग प्रोविजनली उसको क्लिनिकल डायग्नोसिस के थ्रू देखते हैं। दोस्तों, जब क्लिनिकल डायग्नोसिस हमारा सेट हो जाता है उसके बाद ही जनरली डॉक्टर आपकी एक हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासोनोग्राफी या MRI कराता है जिससे हमको डेफिनेट डायग्नोसिस मिलता है कि कौन सा लिगामेंट इंजर्ड है और उस इंजरी का लेवल क्या है, यानी किस स्टेज की इंजरी है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, और उसके
उसके बेसिस के ऊपर ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। ज्यादातर केसेस अगर लेवल 2 तक होते हैं या स्टेज 2 इंजरी तक होते हैं तो बिना सर्जरी के वो मैनेजेबल होते हैं पीआरपी इंजेक्शंस के थ्रू, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन, प्रॉपर एक्सरसाइज, मैनुअल थेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, कुछ मशीन्स के थ्रू। पीएमएफ मशीन बहुत इफेक्टिव होती है ऐसे केसेस के अंदर, और साथ में जैसे मैंने पहले बोला पीआरपी इंजेक्शंस भी बहुत इफेक्टिव होते हैं लिगामेंट इंजरीज के लिए। तो दोस्तों यदि आपको या आपके किसी परिजन को घुटने में चोट लगी है तो पहले जान लीजिए वो चोट किस टाइप की थी, उसके हिसाब से आप खुद एक डायग्नोसिस बना सकते हैं या डॉक्टर आपके लिए हेल्प कर सकता है डायग्नोसिस बनाने में। उसके बाद ही आप अल्ट्रासोनोग्राफी या एमआरआई करा के उसको डेफिनेट कीजिए डायग्नोसिस को, और ज्यादातर केसेस नॉन सर्जिकली डील हो जाते हैं। तो साउल ऑर्थोकेयर के पेन मैनेजमेंट सेंटर पे जरूर आइए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी कमेंट है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।